हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे टेक्नो फ़ोन है तो टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टेक्स्ट साइज है तो टेक्स्ट साइज को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में टेक्स्ट साइज है तो टेक्स्ट साइज को आप कैसे सेट करेंगे, तो सिंपली हमारी फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही है तो सिंपली आपको इस पे सर्च करना है टेक्स्ट साइज। तो हम सर्च कर लिया टेक्स्ट साइज, शायद नहीं आ रहा, तो आप सिंपली इसको इस तरीके से सेट कर लेना है फ़ॉन्ट साइज समझ के। तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इसे ओपन करते ही आप टेक्स्ट साइज वाले फ़ॉन्ट साइज हमारा एक ही होता है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं किसी भी साइज़ में। हमने इसको लार्ज कर दिया है तो हमारा लार्ज साइज में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट साइज को सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन में। और साथ में जैसे अगर आपको टेक्स्ट साइज सेटिंग्स नहीं मिलती है तो आप फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर भी टेक्स्ट साइज को सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन हमारे शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स तरीके से शो हो जाती है हमारी, आप देखते हैं कि शो हो रही है। फिर आपको डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और जो हमारे टेक्स्ट साइज होते हैं, जैसे सिंपल टेक्स्ट हमारे शो हो रहे हैं, इसके साइज को आप कैसे सेट कर सकते हैं, स्मॉल साइज या मीडियम साइज, तो हम इसको मीडियम साइज पे करेंगे। तो जो टेक्स्ट साइज है हमारा मीडियम साइज पे सेट हो जाएगा और इस तरीके से शो करेगा। आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है। और साथ में आप आई केयर मोड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट साइज को सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।